आज हम अरबी डिश कब्सा बनाएंगे, जिसके लिए हमें चाहिए 1 किलो चिकन, 1 किलो बॉयल चावल। इस तरह इसे हमें आधा घंटा भिगाना है, धोकर आधा घंटा आप भिगा दीजिए। इसके बाद हम लेंगे खड़ा मसाला, आधा टीस्पून शाह जीरा, 8-10 लौंग, 8-10 काली मिर्ची, 2-3 तेज पत्ते और 2-3 दालचीनी के टुकड़े और 4-5 इलायची और आधा किलो आलू। आधा किलो आलू हमने ऐसे एक दो कर दिए, दो पीस में काट दिया है, इसे दो हिस्से में काट दिया। इसके लिए हमें चाहिए 1 टेबल स्पून तंदूरी चिकन मसाला, ये इस तरह का एवरेस्ट का, और 1 टेबल स्पून कब्सा मसाला। अगर ये नहीं रहा आपके पास तो आप 2 टेबल स्पून तंदूरी चिकन मसाला ले सकते हैं, और 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन, आधा कप हरा धनिया, आधा कप हरी मिर्ची और 3 प्याज की डलिया हमने पतले से काट दिए हैं इस साइज़ के। अगर छोटे रहे तो 4-5 लीजिए आप, और बड़े रहे तो 2-3 लीजिए, और आधा किलो टमाटर। कब्से की चटनी के लिए हमें चाहिए 1/2 किलो टमाटर, 1/2 कप कोथमीर, 1 डल्ली लहसुन की, 5-6 हरी मिर्चियाँ और 1/2 कप पुदीने के पत्ते और 1 टेबल स्पून नींबू का रस। अगर गौरान टमाटर है तो 1/2 टेबल स्पून नींबू का रस लेना। इस तरह पुदीने के पत्ते जो सब एक साथ डाल दीजिए, लहसुन, हरी मिर्ची, हरा धनिया, आधा टीस्पून नमक, अगर कम लगे तो आप और डाल सकते हैं, और नींबू का रस, सब एक साथ डाल देना है। बाद इस तरह लीजिए, अब ये लीजिए हमारी चटनी तैयार हो चुकी है। हमने कब्से के लिए 1 से 1.5 लीटर पानी बॉईल करने के लिए रख दिया है डालने के लिए, और उसमें 1 टेबल स्पून नमक डाल के उसे अच्छा खौलता हुआ गर्म करेंगे। कब्से के लिए 1 कप और 1/2 कप तेल लगेंगे, और थोड़ा थोड़ा बड़ा भगोना लिए हमने ताकि खुला ही पके। 1 से 1.5 कप तेल डालेंगे। सबसे पहले हम इसमें खड़ा मसाला डालेंगे, जो हमने लौंग लिया था तो उसमें से हमने 1/2 लौंग रख दी है बाद में कूट के डालने के लिए। इस तरह डाल दीजिए। थोड़ा उसे ब्राउन होने देंगे इस तरह, फिर उसके बाद हमने जो प्याज काट के रखी थी वह आहिस्ता आहिस्ता डाल देंगे। पूरी प्याज इसमें डाल देंगे, थोड़ी से ब्राउन होने तक भूनेंगे। ब्राउन होने तक इसे होने दें, फिर उसके बाद हमने जो आलू काट के रखा था वो एक एक करके डाल देंगे। फिर आलू को भी ब्राउन होने तक भूनेंगे, थोड़ा उसको दाग लगे तक भूनेंगे। इस तरह से डाल देंगे। फिर भुनने में उस पर 1 टेबल स्पून नमक डालेंगे ताकि अच्छे से अंदर तक नमक जाए। इस तरह हमने देंगे उसे। प्याज को हमने थोड़ा गोल्डन होने दिया है और आलू थोड़े पक गए हैं, फिर उसके बाद हम इसमें सबसे पहले चिकन डालेंगे। फिर इसके बाद
हरी मिर्ची को हमने ऐसा बीच से कट लगाए हैं और इसको डेट के साथ ही रहने दें। फिर इसे थोड़ा और भूनेंगे 5 मिनट तक। फिर इसके बाद हम इसमें अदरक लहसुन डालेंगे। फिर उसके बाद हमने जो ये मसाले रखे थे एक के बाद एक इसमें डाल देंगे। फिर और थोड़ा से हिलाएंगे। जो रखा था हमने तंदूरी मसाला और खपसे का मसाला, वो डाला है हमने इसमें। फिर इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। पाँच मिनट भूनने के बाद हम इसमें टमाटर डालेंगे। फिर उसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे इस तरह। फिर ये जो आधा कप हमने हरा धनिया रखा था उसे अच्छा बारीक काट लिया है, फिर उसे भी डाल देंगे। फिर और 10 से 15 मिनट इसे पकने देंगे, चिकन गले तक पकने देंगे। फिर इस पर हम ढक्कन ढक देंगे कि 10 से 15 मिनट तक पकने देंगे। फिर बीच बीच में आप उसे थोड़ा हिलाते रहिए, चेक करते रहिए ताकि दाग ना लगे। इस तरह चम्मच से मिक्स करिए। फिर और ढककर 5 मिनट और पका लें। ये ग्रेवी हमारी अभी तैयार हो गई है। अब इसमें हम 15 मिनट तक हमने इसे पकने दिया। अब इस पर चावल डाल देंगे। हम एक साथ डाल देंगे, चावल को अच्छी तरह निथार देंगे। फिर ये अच्छे से इसको इस तरह ही सूखे रहने देंगे। फिर इसके बाद हम इस पर जो हमने गरम करके पानी रखा है वो डाल देंगे। ये इस तरह इसे हिलाएंगे नहीं, बस इसी तरह डाल देंगे इसके ऊपर पानी। अगर आपको लगे कि पानी थोड़ा कम दिख रहा तो और आप डाल सकते हैं पानी, बस उसे इसी तरह रहने दें। बस ऐसा इसको बीच बीच में, अगर आपको और लग रहा पानी चावल गले नहीं तो आप और डाल सकते हैं। इसे ढक कर इसको 10 से 15 मिनट पकने दें पानी जब तक ना सूखे। इसको खोलकर बीच बीच में थोड़ा चेक करते रहना, थोड़ा हिलाते रहना उसे, ताकि पानी अगर लग गया आपको चावल नहीं गले तो आप थोड़ा और पानी डाल सकते हैं। अभी और इसे 3-4 मिनट हमें पकने देना है। ढककर इसे पकने लीजिए। ये हमारा कपसा तैयार हो चुका है। इसे आप चाहे तो, अगर आधा किलो चावल में बना रहे हैं तो आप इसे कुकर में भी बना सकते हैं, इसमें जल्दी बन जाता है। अब इसे हम सर्व करें। लीजिए गरम गरम आपका खपसा तैयार और उसके साथ ये चटनी।